हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ वर्कशीट ऑफ क्लास फोर्थ मैथ्स चैप्टर कार्ड्स एंड व्हील्स व्हील की शेप क्या होती है सर्कल और चैप्टर जो है आपका वो सर्कल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ही है जैसे कि सेंटर क्या होता है सर्कल में रेडियस क्या होती है डायमीटर डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है कॉर्ड क्या होती है डायमीटर क्यों एक स्पेशल कॉर्ड है एवरी थिंग एन सी आर टी से ये चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं होपफुली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे अब बात करते हैं इस चैप्टर से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसके लिए हम के वी एस की वर्कशीट डिस्कस करेंगे जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए होते हैं अपार्ट फ्रॉम एन सी आर टी चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाएगा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी और किस तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी है कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए चैप्टर के बाद वो भी आपको समझ आ जाएगा शुरू करने से पहले अगर कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपके क्लास की आए तो उसको आप मिस ना करें ओके लेट्स बिगिन वर्कशीट नंबर वन चैप्टर एट कार्ड्स एंड व्हील्स पहला क्वेश्चन है द रेडियस इज डैश ऑफ डायमीटर एक सर्कल में सेंटर और सर्कल के बीच की डिस्टेंस रेडियस होती है और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो कि सेंटर से पास होता हो वो डायमीटर होता है तो डायमीटर में एक रेडियस ऊपर और एक रेडियस नीचे होती है दैट मीन्स रेडियस जो है वो डायमीटर की कितनी है दैट इज़ हाफ़ ऑफ डायमीटर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है अगर वो पूछेगा डायमीटर कितना है रेडियस का तो फिर डबल होगा लेकिन उसने पूछा है रेडियस इज़ वॉट ऑफ डायमीटर सो रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर जितना भी डायमीटर होगा रेडियस उसकी आधी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड देखिए ये सर्कल है आपका इसमें बहुत सारी कॉर्ड्स होती है यहाँ से स्टार्ट अगर आप करें सबसे बड़ी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है सेंटर में लॉन्गेस्ट होगी फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो छोटी छोटी होती जाएगी और सबसे लंबी जो कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास होती है उसे हम बोलते हैं डायमीटर तो कोई आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर है डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कल के चारों तरफ की डिस्टेंस अगर आपसे पूछे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहते हैं सरकम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये और आप क्योंकि फिफ्थ क्लास में हैं तो ये फोर्थ क्लास में आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बिकॉज एन में दिया हुआ है वैसे कोई शेप अगर आपकी होती है उसमें अगर आपको चारों तरफ का डिस्टेंस पूछे तो आप पेरीमीटर कहते हैं और अगर सर्कल के चारों तरफ का डिस्टेंस आपसे पूछेंगे तो उसको हम सर्कम बोलते हैं द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू इट्स सर्कल में जो डायमीटर है वो हमेशा किससे पास होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है सो ऑलवेज पासिस डैश डिवाइड द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट सर्कल को दो इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड करता है डायमीटर डिवाइड करता है डायमीटर डिवाइड द सर्कल इन टू टू इक्वल पार्ट नेक्स्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाउंड्री इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड दैट ऑफ सर्कल ये देखिए ये आपका एक सर्कल है इसके सेंटर से कहीं के भी सर्कल के बाउंड्री की कहीं से कहीं तक भी डिस्टेंस ये ये दिस 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 कोई भी इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम बोलते हैं रेडियस आर ए डी आई यू एस ओके तो ये वन मार्कर में क्वेश्चन आपसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सर्कल के बारे में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रेडियस जो है डायमीटर की हाफ होती है डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है सबसे पहली बात तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होती है ये भी इम्पॉर्टेंट है डिस्टेंस जो चारों तरफ की डिस्टेंस है सर्कल के यानी कि लेंथ ऑफ तो बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कम डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है और सर्कल को अगर दो पार्ट में डिवाइड करना है तो डायमीटर ही करेगा कोई भी लाइन आप सर्कल के बीच से जो ड्रॉ करते हैं वो डायमीटर होती है डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के बाउंड्री तक का डिस्टेंस हमेशा रेडियस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अ सर्कल ऑलवेज हैज डैश सेंटर और सेंटर्स सर्कल में कितने सेंटर होते हैं वन फोर सिक्स और टू ये सर्कल है इसका हमेशा एक यूनिक सेंटर होता है सो आंसर इज वन द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन द सेंटर ऑफ द सर्कल द बाउंड्री सेंटर को सर्कल की बाउंड्री से मिलाने वाली ये जो लाइन है इसे इसे हम हम क्या कहते हैं बोलते बंद होती है कहीं से भी अगर उसमें आप अंदर है तो बाहर निकलने के लिए कोई स्पेस नहीं होता दैट मीन क्लोज बी ऑप्शन करेक्ट है कैसी से बनता है स्ट्रेट सीधी लाइन से जिक्सैग लाइन से या फिर कर्व लाइन से तो सर्कल कर्व लाइन से बनता है यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सेकेंड है ये थर्ड है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है ओके नेक्स्ट चूज द ऑप्शन विच इज अ सर्कल इनमें से कौन सा एक सर्कल है ये ओवल शेप है आपकी दिस इज अ सर्कल ये पार्ट ऑफ सर्कल ही है और ये आपके सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल का मिक्सचर है तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर वन जिसमें कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए थे आपसे सेकेंड वर्कशीट पर आते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन मिलीमीटर ये सर्कल की आपको रेडियस फाइंड करनी है यह आप स्केल से करेंगे सिंस आई के नॉट शो यूर कैसे आप करेंगे स्केल लीजिए स्केल में जहाँ पर जीरो होता है उसे यहाँ पर रखिए और यहाँ तक की लेंथ मेजर करिए कितनी है सपोज करिए टू पॉइंट फाइव है ये तो यहाँ पर आप टू पॉइंट फाइव लिखेंगे स्केल में आप जानते हैं ना ये यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होता है फिर बीच में टेन लाइन्स होती है फिर यहाँ वन होता है देन अगेन टेन लाइन्स टू टेन लाइन्स थ्री तो अगर टू के आगे फाइव लाइन्स तक ये आ रहा है तो टू पॉइंट फाइव हम उसको लिखते हैं चलिए इनका रेडियस आप खुद फाइंड करेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ ईच सर्कल सर्कल के पार्ट्स पहचानिए आपको एक सर्कल दिया हुआ है इसमें डायमीटर बताइए क्या है डायमीटर वो होता है जो कि सेंटर से पास हो और सर्कल के बाउंड्री में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो सेंटर से तो ये लाइन भी पास हो रही है और ये भी हो रही है हालांकि ये आपकी रेडियस है और ये आपका क्या है पूरा एक डायमीटर है डायमीटर का नाम क्या होगा ए बी ए बी एक इसमें कॉर्ड बताइए कॉर्ड सर्कल के दो पार्ट्स को ज्वाइन करती है हालांकि डायमीटर भी एक कॉर्ड है लेकिन वो स्पेशल कॉर्ड होती है क्योंकि बाकी जो कॉर्ड्स है सर्कल की वो सेंटर से पास नहीं होती डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास होती है और सबसे लंबी कॉर्ड होती है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो कॉर्ड कौन सी होगी सी डी या डी सी नेक्स्ट इज रेडियस रेडियस हो जाएगी आपकी ओ एक्स ओके हालांकि आप ए भी लिख सकते हैं रेडियस और बी ओ भी लिख सकते हैं एक्स ओ ए बी ओ सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नेक्स्ट इज डायमीटर डायमीटर इसमें आपका ई e सी है कॉर्ड की हम बात करें बी डी है और रेडियस की हम बात करें ए ओ या ओ ए है नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं जरूरी नहीं है ई सी ही लिखे आप सी भी लिख सकते हैं किधर से भी लाइन का नाम स्टार्ट हो सकता है बस उसके दो कॉर्नर पॉइंट्स आपको यहां पर लिखने हैं नेक्स्ट इज सी फिगर डायमीटर डायमीटर है इसमें एन क्यू या फिर क्यू एन जो भी आप लिखना चाहे एन क्यू कॉर्ड इज एम आर रेडियस इज पीओ या फिर ओपी आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डायमीटर सेंटर से जो पास हो रहा हो दिस इज आर टी कॉर्ड इज क्यू एस एंड रेडियस इज पीओ नेक्स्ट इसमें डायमीटर है आपका बी डी कॉड इज ई सी एंड रेडियस इज एओ नेक्स्ट चलिए इस फिगर में कॉर्ड डायमीटर और सेंटर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें कौन सी होपफुली इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं डायमीटर कॉर्ड और रेडियस अब आपको समझ में आ गई होगी तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट आगे आते हैं नेक्स्ट इज गिवन द रेडियस ऑफ द डायमीटर ये तो हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है आपको डायमीटर दे के रेडियस पूछेंगे या फिर रेडियस दे के डायमी पूछेंगे दोनों में रिलेशन आप जानते ही हैं रेडियस डायमीटर की आधी होती है हाफ द डायमीटर और डायमीटर रेडियस का डबल होता है डबल द रेडियस तो जो भी पूछा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर कर देंगे बस ये फॉर्मुला आपको याद रखना है क्वेश्चन कह रहा है गिव द रेडियस रेडियस बताइए कितनी होगी अगर डायमीटर ये है डायमीटर नाइन है नाइन का हाफ कितना होता है नाइन किसी का हाफ तो होता नहीं लेकिन नाइन को जब आप डिवाइड करेंगे डेसिमल में आंसर आएगा ऑब्वियसली नाइन को डिवाइड करेंगे टू से आप लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू नाइन अपॉन टू टू फोर जार एट माइनस किया वन बचा डेसिमल लगा दिया टेन हो गया टू फाइव जार टेन सो आंसर इज फोर पॉइंट फाइव ओके साढ़े चार सेंटीमीटर uh, यूनिट भी ज़रूर लिखनी है पीछे ये आपकी रेडियस हो जाएगी नेक्स्ट इज डायमीटर ट्वेल्व है ट्वेल्व का हाफ तो सिक्स होता है तो रेडियस हो जाएगी ट्वेल्व अपॉन टू टू सिक्स आर ट्वेल्व यानी कि सिक्स सेंटीमीटर्स नेक्स्ट सिक्स सेंटीमीटर आपका डायमीटर है तो रेडियस आपकी हो जाएगी सिक्स अपॉन टू ये अपॉन टू करना है सिंपल आपको दैट मीन्स टू थ्री आर सिक्स थ्री सेंटीमीटर्स नेक्स्ट सेवन सेंटीमीटर आपका आपका डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी सेवन अपॉन टू सेवन आधा होता है थ्री पॉइंट फाइव का क्योंकि थ्री का हाफ थ्री का डबल सिक्स होता है पॉइंट फाइव का वन हो जाएगा सिक्स प्लस वन सेवन सो थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स नेक्स्ट इज फोर सेंटीमीटर सो रेडियस आपकी हो जाएगी फोर अपॉन टू दैट मीन्स टू टू आर फोर टू सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन सेंटीमीटर इलेवन भी किसी का हाफ नहीं होता बट इलेवन अपॉन टू को आप क्या लिख सकते हैं टेन हाफ होता है फाइव का और वो इलेवन से एक ज़्यादा है यानी कि फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा फाइव क्योंकि देखिए इलेवन जो है ये टेन और ट्वेल्व के बीच में आता है टेन हाफ़ होता है फाइव का ट्वेल्व हाफ़ होता है सिक्स का तो इनके बीच में इलेवन है फाइव और सिक्स के बीच में फाइव पॉइंट फाइव है दैट इज़ वाई ये फाइव पॉइंट फाइव का हाफ होगा ट्वेंटी टू तो रेडियस हो जाएगी ट्वेंटी टू अपॉन टू ट्वेंटी टू को टू से डिवाइड करेंगे टू वन जार टू टू वन जार टू दैट मीन्स एलेवन सेंटीमीटर्स नेक्स्ट इज ट्वेंटी ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर डायमीटर ट्वेंटी है तो रेडियस कितनी होगी अगर डायमीटर थर्टी फोर है तो रेडियस कितनी होगी आई एंड एम के आंसर आप करेंगे नेक्स्ट इज फिफ्टीन सो रेडियस हो जाएगी फिफ्टीन अपॉन टू फिफ्टीन किसी का हाफ़ नहीं होता फोर्टीन होता है सेवन का तो फिफ्टीन हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आप ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर आप डिवाइड कर लीजिए फिफ्टीन को टू से टू सेवन जार फोर्टीन माइनस किया वन बचा अब क्योंकि आपको कंप्लीट डिवाइड करना है आप यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं डेसिमल के साथ हमें एक जीरो मिल जाती है कैरी करने के लिए सो टू फाइव ज़ार टेन सेवन पॉइंट फाइव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर अपॉन्ट टू आपकी रेडियस हो जाएगी सिक्सटी फोर अपॉइन्ट टू अगर आप करेंगे टू थ्री ज़ार सिक्स माइनस किया कुछ नहीं बचा फोर कैरी किया टू टू ज़ार फोर आंसर इज थर्टी टू तो रेडियस हमारी हो जाएगी थर्टी टू सेंटीमीटर्स क्लियर है सभी क्वेश्चन तो कभी भी डायमीटर दिया हो रेडियस निकालनी हो तो हाफ आप कर देंगे बाई टू कर देंगे फिर टू से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आपकी रेडियस होगी तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन है आपका गिव द डायमीटर इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रेडियस इतनी है डायमीटर बताइए तो डायमीटर के लिए आप क्या करेंगे रेडियस को डबल कर देंगे यहाँ पर आप लिखेंगे डायमीटर इक्वल्स टू टू इन फोर पॉइंट फाइव जो भी रेडियस है उसका डबल कर दीजिए फोर पॉइंट फाइव का डबल कितना होगा टू फाइव जार टेन जीरो कैरी वन टू फोर ज़ार एट एट प्लस वन नाइन क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है आंसर में भी डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए हम नाइन पॉइंट जीरो लिखेंगे पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब है नहीं तो इसको आप हटा देंगे आंसर होगा नाइन सेंटीमीटर फोर पॉइंट फाइव का डबल नाइन होता है क्योंकि फोर का डबल एट होता है फोर टू ज़ार एट और पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव दो बार वन बना देंगे और एट प्लस वन नाइन होगा ओके okay? तो इसका जो डायमीटर है वो नाइन हो जाएगा नेक्स्ट इज़ टू तो डायमीटर इसका डबल यानी कि डबल टू का डबल यानी कि फोर सेंटीमीटर्स नेक्स्ट इज़ सिक्स पॉइंट फाइव डी तो यानी कि सिक्स पॉइंट फाइव का डबल कैसे करेंगे आप सिक्स का डबल आप जानते हैं ट्वेल्व होता है और पॉइंट फाइव का डबल वन हो जाएगा ट्वेल्व प्लस वन इज़ थर्टीन तो आंसर थर्टीन सेंटीमीटर होगा ऐसे समझ लीजिए या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टू टू फाइव ज़ार टेन जीरो कैरी वन सिक्स टू जार ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन एक नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा पॉइंट के बाद जीरो है हट जाएगी आंसर थर्टीन आएगा ओके नेक्स्ट इज़ फिफ्टीन तो डायमीटर आपका डबल हो जाएगा डबल द रेडियस यानी कि फिफ्टीन का डबल थर्टी सेंटीमीटर्स ये है सेवन पॉइंट फाइव तो यह हो जाएगा आपका टू इंटू सेवन पॉइंट फाइव सेवन का डबल फोर्टीन होता है पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव वन बना देंगे तो फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन सेंटीमीटर सेवन तो ये हो जाएगा टू इंटू सेवन दैट मीन्स फोर्टीन सेंटीमीटर्स ओके नेक्स्ट है फोर तो डायमीटर हो जाएगा टू इंटू फोर दैट मीन्स फोर टू ज़ार एट सेंटीमीटर ये है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव तो डायमीटर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव टू इंटू ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव डबल कर देंगे इसको जब आप ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फाइव का डबल कितना होता है ट्वेंटी फाइव टू ज़ार फिफ्टी और ये वन बना देगा पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मतलब आधा होता है तो आधे का दोगुना वन होगा तो फिफ्टी और वन फिफ्टी वन तो आंसर फिफ्टी वन सेंटीमीटर होगा सिक्सटी फोर अगर है तो डायमीटर सिक्सटी फोर का डबल फोर टू ज़ार एट एंड सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व वन ट्वेंटी एट हो जाएगा ओके okay? अब तीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं एफ आई और एम ये आपकी रेडियस दी हुई है डायमीटर आप बताइए कि कितना होगा इन कमेंट सेक्शन ओके चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द फॉलोइंग डॉट्स विद पेंसिल एंड कंपास इनको पेंसिल और कंपास से ट्रेस करना है दिस इज इजी तो पेंसिल से आप इसको ऐसे ट्रेसिंग कर देंगे इनकी ये एक सर्कल अगेन सर्कल 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 ये डिजाइन बनाए हुए हैं एक्चुअली सर्कल्स को यूज़ करके ओके okay. ये तो आसान है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग कॉइन बॉटल पार्ट बॉटम पार्ट ऑफ बॉटल एंड ग्लास कलर द लार्जेस्ट सर्कल मेड येलो एंड द स्मॉलेस्ट सर्कल मेड ग्रीन तो आप एक कॉइन को यूज़ करके सर्कल बनाएंगे उसके बाद बॉटल के नीचे का जो पार्ट होता है सर्कुलर उसको यूज़ करके एक सर्कल बनाएंगे उसके बाद ग्लास का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको यूज़ करके एक सर्कल बनाएंगे तो जो सबसे बड़ा होगा उसको येलो कलर करेंगे और जो सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट उसको ग्रीन आई थिंक ये तो आसानी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते ना ही ये आएगा ट्रेसिंग का क्वेश्चन ये वैसे प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं वर्कशीट में ये इम्पॉर्टेंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है ये भी आ सकता है एग्जाम में आपको स्केल से मेजर करने के लिए और इसके तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट वर्कशीट है चलिए आगे आते हैं ड्रॉ सर्कल ऑफ़ फॉलोइंग रेडिया इन रेडियसिस के सर्कल ड्रॉ करिए टू सेंटीमीटर तो आप क्या करेंगे अपने कंपास को टू सेंटीमीटर्स ओपन कर लीजिए सपोज करिए आपको फाइव सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है कंपास को पेंसिल में फिट करिए उसके बाद कंपास को ओपन करिए फाइव सेंटीमीटर तक जीरो पे अपनी निब रखिए कंपास की फाइव सेंटीमीटर यहाँ तक पेंसिल को ओपन कर लीजिए उसके बाद प्लेन पेपर के ऊपर आप कंपास को रखेंगे ऐसे और जो आपने जहाँ तक पेंसिल को ओपन किया उसको चारों तरफ घुमा देंगे आपका सर्कल बन जाएगा ये आपका फ़ाइव सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा ओके सर्कल तो सभी को ड्रॉ करना आता होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस उसने फाइव बोला है ना सेंटर से पेंसिल तक की डिस्टेंस हमने फाइव ओपन की थी और ये यह यहाँ से आ तक की डिस्टेंस फाइव ही होती है यानी कि इसका जो इसकी जो रेडियस है वो फाइव है ये आप दिखा भी देंगे एक बार यहाँ से ज्वाइन करेंगे और फाइव सेंटीमीटर लिख देंगे ओके इस तरीके से आपको डिफरेंट जो रेडियस है अगर आपको कहा जाए थ्री सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करिए तो पेंसिल को थोड़ा कम करके थ्री तक ले आइए कंपास को इतना ओपन करिए उसके बाद निव को रख के चारों तरफ पेंसिल को घुमा दीजिए सर्कल थ्री सेंटीमीटर का बन जाएगा ओके गिवन रेडियस से सर्कल ड्रॉ करना एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है टू पॉइंट फाइव की अगर हम बात करें तो आप कहाँ तक ओपन करेंगे ये यहाँ पर निब रखेंगे पेंसिल को टू पॉइंट फाइव ये देखिए टू और थ्री के बीच में ये आपको एक थोड़ी और छोटी लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है ये टू पॉइंट फाइव होता है आपका तो यहाँ तक पेंसिल को ओपन करेंगे इतना कंपास में इतनी डिस्टेंस लेंगे और उसके बाद यहाँ पर रख के सर्कल ड्रॉ कर देंगे टू पॉइंट फाइव रेडियस का चलिए अब वर्कशीट नंबर फाइव लास्ट वर्कशीट है ये सर्कल द ऑब्जेक्ट्स विच हैव अ सर्कुलर बेस इनमें से किन ऑब्जेक्ट्स का जो बेस है वो सर्कुलर है आप उसको रख के चारों तरफ अगर ट्रेस करें तो सर्कल बन सकता है प्लेट का बेस सर्कुलर होता है जग का बेस सर्कुलर होगा बटन का ऑब्वियसली इसका नहीं नो नो ये, नो क्योंकि ये थोड़ा सा ये हो गया है यस यस नो कप का जो बेस है प्लेट भी जो नीचे है किसी का भी पूछा गया तो बेस इनका सर्कुलर ही होता है लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ थ्री सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई ऑन द कॉर्नर ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल बना लीजिए यहाँ पर उसके बाद एक इस पॉइंट पे एक सर्कल आपको ड्रा करना है ऐसे इसको इसको रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है और इसको रेडियस लेके सर्कल ड्रा करना है अगर थ्री एम एम आपको ये थ्री एम एम कम दिया हुआ है थ्री एम एम कैसे करेंगे आप थ्री सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पर थ्री सेंटीमीटर का अगर आपने ये ड्रॉ किया है तो उस कंपस में आप इसका आधा डिस्टेंस यानी कि वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे जो भी ये लाइन दी हुई है उसका आधा डिस्टेंस ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है ये बट ये क्वेश्चन भी जनरली आ जाता है यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया हुआ है उसमें बहुत सारे लाइन्स हैं आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है ओ बताइए ओ क्या है तो ओ इसका सेंटर है नेक्स्ट इज ए बी क्या है ए बी ढूंढिए कहाँ है ए बी ए बी सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला रही है लेकिन सेंटर से नहीं जा रही तो ये कॉर्ड है ओ ई सेंटर से सर्कल को ज्वाइन कर रही है तो ये आपकी रेडियस है एफ जी एफ जी दो पॉइंट्स को मिला रही है सर्कल के ऊपर तो ये आपकी कॉर्ड है सी डी डी सी डी सी सेंटर से जा रही है दो पॉइंट को मिलाते हुए सो दिस इज़ योर डायमीटर नेक्स्ट इज ओ डी ओ डी सेंटर और सर्कल के बीच की डिस्टेंस ये आपकी रेडियस है तो ये जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सेंटर क्या होता है रेडियस क्या होती है डायमीटर कॉर्ड चार एंड सर्कम फ्रेंस ऑल्सो पाँचों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सर्कम फ्रेंस होती है लेंथ ऑफ बाउंड्री उसके बाद कॉर्ड होती है कहीं भी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को जो ज्वाइंट करती हो लाइन वो कॉर्ड है एक ऐसी स्पेशल कॉर्ड जो सेंटर से जाती है वो आपका डायमीटर होता है देन सेंटर से सर्कल के बीच की डिस्टेंस आपकी रेडियस होती है और सेंटर तो बिल्कुल बीच में होता है इसके जब आप कंपास से ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पर आप कंपास रखते हैं चारों तरफ पेंसिल को घुमाते हैं ना ऐसे जहाँ पर आपने ये कंपास रखा ये इसका सेंटर होगा सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इसी के साथ वर्कशीट आपकी फिनिश होती है होपफुली चैप्टर और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और थोड़ा क्लियर ज़रूर हुआ होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है ओके थैंक यू सो मच